नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। आपको बता दें, अगले कुछ दिनों अगर हम राजस्थान की बात करें तो पहले फेज के जहां पर मतदान होने हैं और दूसरे फेज के मतदान उसके जो बाद अगले चरण में होंगे, उन सभी के लिए कवायद शुरू कर दी है बीजेपी और कांग्रेस ने। और ये कवायद इस वजह से ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि दिग्गजों ने यहां पर मोर्चा संभालने के लिए अपने दौरों में तेजी ला दी है। अमित शाह और मोदी के अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी राजस्थान आने वाले हैं। दिग्गज 25 सीटों को लेकर अगर बीजेपी की बात करें तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है कि वो जीत की हैट्रिक बनाए और कांग्रेस की ये कोशिश है कि इस हैट्रिक को तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में लेकर आए। किन सीटों पर ये दौरे हो रखे हैं, क्या उसके मायने निकाले जाए, कितनी कोशिशें और किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल का जो सिनेरियो इंडियन पॉलिटिक्स में दौरों के दौरान जो भी मंच से बातें कही जाएंगी वो कितने मायने रखती हैं, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी इस चर्चा का हिस्सा है, बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, बीजेपी ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं लेकिन कांग्रेस के दौरों की अभी सूची बनी है, जिसमें से सिर्फ एक ही नाम अभी सामने, एक ही कार्यक्रम सामने आया है कि अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राजस्थान की जमीन को चुना गया है, जयपुर की जमीन को चुना गया है। कांग्रेस अभी भी उन तैयारियों में, जब 25 की 25 सीट जीतने को लेकर हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो अपनी तरफ से कांग्रेस ऐसी कवायद करे कि 25 सीट को लेकर तो वो कोई वादा कर भी नहीं खुले मंच से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में लेकर आए, ऐसी ना तो दावों में कोई बात सामने आ रही है, न बातों में, और ना अभी तक दौरों की जो सूची सामने आई है उसमें ऐसी कोई कवायद नजर आ रही है। देखिए प्रभात जी, जहां तक इस चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से राजस्थान के जो पहले चरण में और दूसरे चरण में, दोनों चरणों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग रहेगी, तो उसको मद्देनजर पूरे देश के अंदर, जैसे कि 19 अप्रैल से पहले चरण के मतदान की शुरुआत होगी, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जो हमारा लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को यहाँ पर राजस्थान की धरती से और जयपुर की धरती से लॉन्च किया जाएगा। और ये एक हमारी राष्ट्रीय स्तर की रैली रहेगी जिसमें हमारे तमाम प्रदेशों के बड़े नेता और राजस्थान के बड़े नेता और हमारे केंद्र सरकार, केंद्र के अंदर हमारी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के परमादरणीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन जी खड़गे, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम बड़े नेता इसमें उपस्थित रहेंगे। तो उसके अंदर हम अपनी जो हम मतलब इस लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जनता से जो वादे करना चाहते हैं, हमने 5 न्याय की जो गारंटी देने की बात की है, जिसमें युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है, तो इन तमाम न्याय की जो हम गारंटी देने जा रहे हैं उसके अंदर ये लॉन्च किए जाएंगे। और इसके साथ में मैं प्रभात जी एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग एक तरफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस देश में इस वक्त बना हुआ है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, जिस तरह से जो पूर्व दो मुख्यमंत्री हैं, चाहे अखिल उसके आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, या झारखंड के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी जिस तरीके से जेल में डाला गया, और उसके साथ में कांग्रेस पार्टी को करीबन 3568 करोड़ के टैक्स नोटिस मिले हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में या लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजनीतिक दलों को इस तरीके के द्वेष की भावना से, मतलब चुनाव के दौरान, मतलब जब आचार संहिता लग चुकी है उसके बाद में जिस तरीके से नोटिस मिला, ये तो नहीं करेंगे। लेकिन आज यहां समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के इशारे पर, और ये हमारे जो ये आरोप है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर राजनीतिक दलों को मतलब खत्म करने का जो प्रयास कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए, तो आप बताइए ना कि ऐसे में कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित होगा जी, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन राजेंद्र जी, मैं वापस राजस्थान की तरफ इसलिए लौटना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हम राजस्थान पर फोकस करें, यहाँ से अपना घोषणा पत्र लागू करना, ये क्या उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जाए कि चलिए
कम से कम एक आखिरी हथियार इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए कि इससे हमको राजस्थान को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस बहाने कुछ सीटें आ जाए, इस वजह से यहाँ से ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई है कि घोषणा पत्र को यहाँ पर जारी किया जाए। देखिए प्रभात जी, राजस्थान हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत किला रहा है, और ये भी बात सही है कि लगातार दो चुनाव में 2014 और 19 में हम यहाँ से लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए, तो ये एक वास्तव में चुनौतीपूर्ण भी है। अभी मतलब 18 से 23 तक वहां पर हमारी सरकार थी और उस सरकार के तमाम जो अच्छे कार्य थे वो पूरे देश के अंदर नजीर बने थे, और आज जो चीजें भी केंद्र सरकार भी कर रही है उन्हीं चीजों को कॉपी करके जनता के बीच में गारंटी शब्द को भी राजस्थान की सरकार के अंदर जो पूर्ववर्ती काम थे उन्हीं के अनुसार आई। तो राजस्थान हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और इस बार आपने देखा होगा कि जैसे हम करीबन 24 जगह पे हम अपने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, एक जगह भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो आज भाजपा के खेमे में इस बात को लेकर बड़ी भारी चिंता है कि भाजपा अब उन जो कैंडिडेट्स हैं उनको पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे थे कि साहब 25 की 25 हम जीतेंगे, अब उनकी हालत है, आप उनसे ईमानदारी से पूछिए तो पता चलेगा कि जिस तरीके से उनको कड़ी चुनौती हर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी दे रही है वो आने वाले समय में आपको और पता चलेगा, जैसे जैसे ये चुनाव और चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा आपको इन चीजों का पता भी चलेगा। जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी हालांकि कोशिश कर रही है लेकिन अभी जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई सीटों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, और जो दौरों की रूपरेखा तैयार की गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से वो रूपरेखा ऐसी है जिसमें कमजोर सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कमजोर किस मायने में, क्योंकि वहां पर चेहरे मजबूत हैं लेकिन सामने वाला किस तरह से अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है उसकी वजह से अपना उम्मीदवार उनको अब कमजोर नजर आने लगा है। ये जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है उसकी यही कारण है कि उनको लग रहा है कि किसी भी तरह से वापस बीजेपी तो कोशिश कर रही है कि हमारी हैट्रिक कहीं खत्म ना टूट ना जाए, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि चलिए किसी भी तरह से हमें कुछ सीटें तो हाथ में आए ताकि इनकी हैट्रिक को रोका जा सके। देखिए बिल्कुल, बीजेपी चाहती है हैट्रिक लग जाए और कांग्रेस चाहती है हैट्रिक हार वाली नहीं हो जाए, ये स्थितियां राजस्थान में है। लेकिन इस बार एक अच्छी चीज है कांग्रेस की, मैंने देखा इन चुनाव को, खासतौर से विधानसभा चुनाव भी जब कांग्रेस ने लड़ा तो काफी अच्छा मुकाबला था और कसमकस की स्थिति वाली थी, 70 सीटें कांग्रेस की लाना विपक्ष में, अक्सर जब भी कांग्रेस विपक्ष में आई है तो काफी कम सीटें रही हैं राजस्थान के अंदर। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा, जनता के बीच में शायद कांग्रेस का मैसेज भी था, या फिर या कहा जाए कि सरकार की जो योजनाएं थी शायद उनका कुछ इम्पैक्ट रहा हो, कि कांग्रेस मजबूती से विपक्ष के अंदर ठहरी हुई है, और अब जब राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर रण यहां पर चल रहा है, इसी मुकाबले के अंदर बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं है। आज जिस तरह से स्थितियां बनी, हमने देखा कि अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, दो दिन तक राजस्थान में ठहरे, सीकर में रोड शो किया, जयपुर में 5 लोकसभा जो कोर कमेटी है उनके साथ में संवाद करते हैं, जोधपुर पहुंचते हैं, जोधपुर में शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हैं, लेकिन वहां पर भी जो 4-5 लोकसभा की जो कोर कमेटी है उनको संबोधित करना अपने आप में ये बताता है कि पार्टी जो सर्वे अंदरूनी सर्वे कराए जाते हैं, जो एक बार उम्मीदवार से घोषित करने से पहले सर्वे होते हैं, उसके बाद उम्मीदवार के बाद में सर्वे होते हैं, एक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह का सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी की आई है उसमें यह माना जा रहा है कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं राजस्थान के अंदर 25 में से जिसमें कॉन्टेस्ट ही नहीं, कांग्रेस कुछ हद तक लीड में है। जैसे दौसा की सीट को अगर देख लिया जाए, टोंक सवाई माधोपुर सीट सेफ यहां पर नहीं मानी जा रही है, इधर सेखावाटी को अगर देखा जाए, नागौर की सीट को देखा जाए, बाड़मेर में जिस तरह से स्थितियां अब जाकर बनी है, और बांसवाड़ा में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, वो एक रणनीति का हिस्सा है कि शायद वहां पर भी कुछ तीसरा जो गठबंधन है वो संकेत जो मिल रहे हैं वहां पर हो जाए, और फिर कांग्रेस की बगावत करते हुए जिस तरह से विधायक यहां से गए और बीजेपी का दामन थामा, उनको रोका कैसे जा सकता है, ये तमाम रणनीति है। लेकिन बीजेपी भी रणनीति बना रही है, कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, बीजेपी को एक बेनिफिट है पब्लिक में जिस तरह का मैसेज है, राम मंदिर का इश्यू देख लिया जाए, हमने देखा कि जब भी चुनाव हुए हैं एक लहर कहीं ना कहीं अलग चली है, और वो लहर बीजेपी को बेनिफिट देके गई है। 2014 में मोदी लहर ये काम कर रही थी और हमने देखा कि उस दौरान 163 सीटें जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे तो 163 का मैंडेट आया था, काफी बड़ा मैंडेट था, वो लहर काम कर गई, और उसके बाद में भारत पाक या कहा जाए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थितियां 2019 में बनी, एक राष्ट्र भावना जागी जनता के बीच में, और
वो चुनाव भी कहीं ना कहीं अपने आप में देखा गया कि वह काबिले तारीफ चुनाव लड़ा गया, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जब क्रिकेट का मैच ही जब भारत पाक का होता है तो सड़कें सुनी हो जाती हैं, तो वो तो चुनावी रण के बीच में वो रण था जो कि हर किसी को टच करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद के साथ साथ में एक धार्मिक जो टच करने वाला वो कहीं ना कहीं है। आज अगर भारत में देखें और भारत के साथ साथ तमाम स्टेट में भी देखा जाए, धार्मिक जो भावनाएं हैं आदमी की वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। कोई राम को मानता, कोई शंकर को मानता, कोई अलग अलग कोई किसी देवी की आराधना की पूजा करता है। ये जो राम मंदिर का इश्यू है ये नो डाउट बीजेपी को बेनिफिट करके जाएगा, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में जो यहाँ पर बदलाव यहाँ पर आया, हमने देखा सचिन पायलट के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट दी गई, अनिल चोपड़ा नया चेहरे हैं, यूथ हैं, टिकट दी गई। उस समय ये माना जा रहा था चल राव राजेंद्र भारी पड़ेंगे, बीजेपी का ये एनालिसिस कह रहा है कि अब जो स्थितियां हैं अनिल चोपड़ा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह मानी जा रही है जातिगत जो समीकरण यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अनिल चोपड़ा जात वर्ग से, जाट वर्ग से आते हैं, खासतौर से सचिन पायलट का समर्थक होने के चलते गुजर बाहुल ये माना जा रहा है कि शायद वो अनिल चोपड़ा की तरह वोट कास्ट करेगा। और तीसरा एक फैक्टर अलग बैठ रहा है वहां पर, मनीष यादव जो है यादव वर्ग से आते हैं, उनका भी एक अच्छा वजूद। उधर राजस्थान में हमने देखा था विधानसभा चुनाव के अंदर जीत का एक आंकड़ा आया, तो मनीष यादव की बहुत बड़ी जीत 65,000-64,000 के करीब की लीड देखते हुए वहां पर जीत दर्ज की थी। तो ये एक जयपुर ग्रामीण का हमने एनालिसिस किया। इसी तरह की स्थितियां बाड़मेर में देख लिया जाए, सीकर में देख लिया जाए, नागौर में देख लिया जाए, चूरू की स्थिति की बात कर लिए, ये तमाम जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उस पेच में फंसी हुई है जिसको निकालने के लिए एक रणनीति बनाई गई बीजेपी की ओर से। अमित शाह रोड शो करेंगे या दौरे करेंगे, वहां पर जाएंगे ठहरेंगे, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां उन तमाम सीटों पर होंगी, जैसे जयपुर ग्रामीण में कल आ रहे हैं, उसके बाद में चूरू में 5 अप्रैल को आएंगे, 6 अप्रैल को नागौर का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो ये रणनीति बनाई गई, अब इस रणनीति में कौन आता है? फिलहाल जो स्थितियां हैं काफी टफ कंटेस्ट माना जा रहा है, ये जरूर है बीजेपी प्लस में है कांग्रेस से, लेकिन क्लीन स्वीप वाली स्थिति शायद इस समय नजर नहीं आ रही। कुछ सीटों पर जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है बीजेपी, और इसी वजह से ये लग रहा है कि कांग्रेस के जो बीजेपी के जो दौरे हैं उनमें कुछ बदलाव भी नजर आ रहा है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारीख जी जुड़ चुके हैं। पारीख साहब, 25 का जो हैट्रिक है, जीत की हैट्रिक जो है, उसको लेकर बीजेपी कुछ आश्वस्त नजर नहीं आ रही, और उसका कारण ये समझ में आ रहा है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल ने अभी कुछ एक विश्लेषण भी किया था, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो हमने सामने रखी है, शायद यही वजह है कि अब शाह, नड्डा और राजनाथ के साथ मोदी को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है, और खासतौर पर उनका जो रूट चार्ट बनाया गया है ये उन सीटों पर है जहां पर कंटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि कंटेस्ट थोड़ा सा भारी है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीतने वाली है, राजस्थान में कोई सी भी सीट कांग्रेस से खत्म जाने वाली है। पहली बात तो कांग्रेस 25 सीटों को चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस को 22-23 सीटों को चुनाव लड़ रही है, तो किसी भी सीट पर कांग्रेस के पास जाने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी सीट जीतने वाली। जहां तक शाह और मोदी जी का प्रश्न रहता है, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री है, पार्टी रणनीतिकार है, पार्टी के बड़े चेहरे हैं, ये सब मिलकर राजस्थान के इस चुनाव की वेतरणी में आए हुए हैं, और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को अपने समझाइश के आधार पर, अपने काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों को लेकर के लगातार उनकी बैठक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत को 5 लाख से अधिक हो इन बात को सुनिश्चित का प्रयास कर रहे हैं। हमारा माना 25 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हमारी सीटों का मार्जिन इस बार 5 लाख से अधिक सभी सीटों पर हो, इस बात का प्रयास के भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जो सीटें थी जैसे मैं सीकर की बात करता हूं, या फिर सीकर में अमरा राम को उतारा गया, अब गठबंधन की बात कर लेता हूं, कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें, गठबंधन उनके सामने है, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती के सामने अमरा राम है, अगर हम झलवाड़ की बात करें, ये जो दौरों की जो सिटी तय की, जो लोकसभा सीट तय की गई है वहां पर उनको तैयार, बाकी जगहों पर पूरा रूट चार्ट नहीं बना, अक्सर जो रूट चार्ट बनते हैं तो ये होता है कि हम एक ही चक्कर में कम समय में उस रूट में आने वाले सारे जो लोकसभा सीटें हैं उनको साध लें और हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग हो जाता है, यही स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन इस बार जो स्ट्रेटजी बदली हुई नजर आ रही है उसमें उन सीटों को खासतौर पर, एक सीट इस कोने में है, दूसरी पश्चिम राजस्थान में, तीसरी दक्षिण राजस्थान में है, इस तरह से अलग अलग सीटों को जो रूट चार्ट बनाया गया ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर आपको चुनौती नजर आ रही है, चाहे गठबंधन को लेकर ही आप बात करें, कांग्रेस को लेकर भी अगर बात ना करें तो। चुनाव कोई सा भी चुनाव में चुनौतीपूर्ण होता है, चुनाव को हम कभी भी नहीं लेते,
हमारा मानना है कि चुनाव होता है, ऐसे चुनाव के अंदर चुनाव की रणनीति, चुनाव की तैयारी और चुनाव में कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए नेताओं को काम करना चाहिए। काम लगातार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आप कहना है कि हमारे प्रदेशों को आगे इधर उधर की बात करें, पश्चिम राजस्थान से लेकर की बात कर रहे हैं, राजस्थान के सभी अंचलों में सभी संभागों में हमारे नेता जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का कैसे कार्यकर्ता इस बारे में लगातार प्रयास करते हैं। हमारा मानना है कि जनता तक हमारी जितने दशाओं ने काम किए ये सब काम जनता तक पहुंचे। यदि उज्ज्वला की बात करूँ तो उज्ज्वला के माध्यम से लाखों महिलाओं का आंसू पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को मेडिकल हेल्प देने का काम किया है। जनधन खातों के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को बेनिफिट सरकार ने लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। माध्यम से पारिक साहब मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात सही है। पारिक साहब अगर अगर हम एजेंडों को लेकर बात करते हैं तो माना जाता है। पारिक साहब एजेंडों को लेकर हम बात करते हैं तो माना जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी मैं मानता हूँ, लक्ष्मीकांत जी मैं मानता हूँ मुद्दों को लेकर मान ली आपकी बात मैंने, लेकिन एजेंडों को लेकर आप मुद्दों को लेकर अगर बात करते हो तो ठीक है। परीक्षा मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? परीक्षा मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए मुद्दों को लेकर बात की जाती है जहां तक सही है, मुद्दों को लेकर बात की जाती है मन से जहां तक सही है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे बयान आपके ही नेताओं के कुछ नेगेटिव भी जा सकते हैं? एक आपकी जो महिला विधायक है वो मंच से ये कहती है कि अगर मान लो हमारी पार्टी को टिकट देने वोट देने वाला अगर कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ है और हमको वोट नहीं देता है तो उसको ये शहर खाली कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि बड़े नेता मंच से अच्छी बातें करते हैं लेकिन जब निचले स्तर पर हम जाते हैं तो वहां पर ऐसे बयानों की वजह से विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है आपको? आप उन विधायकों को लेकर कोई सीख नहीं देना चाहेंगे उस मंच से? देखिए मैं मानना है कि लोकतंत्र मजबूत विपक्ष अपनी अच्छी सकारात्मक भूमिका निर्वहन करता है। किसी भी व्यक्ति जैसे बयानों को मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं कहता। यदि किसी ने ऐसा बयान दिया है तो उसके व्यक्तिगत बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का बयान है। व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं दिया, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं दिया, सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया हुआ बयान है। व्यक्तिगत कार्यक्रम का बयान नहीं है सर, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम का बयान नहीं है, सार्वजनिक कार्यक्रम का बयान है, फिर व्यक्तिगत कैसे कहा जा सकता है? देखिए जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसके अपने जिम्मेदारी का बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता का राजेंद्र जी आपने सुना अभी जो स्ट्रेटजी है वो जीत को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या अपने आप को उन सीटों पर कमजोर समझा कि उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ा? चाहे सीकर की बात करें हम या फिर दूसरी सीटों की बात करें, एक सीट को लेकर तो अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि शायद गठबंधन हो जाए। कांग्रेस अपनी जमीन पर इतनी मजबूत नहीं है कि उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा, ये माना जाए? देखिए जहां तक हमारे भाई लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे उज्ज्वला का नाम ले रहे थे, उज्ज्वला में कह रहे थे साहब इतने लोगों को हमने दे दिया, तो उज्ज्वला में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80% जो उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे उन्होंने पहले सिलेंडर के बाद सिलेंडर ही नहीं भरवाया, और जो उज्ज्वला के नाम पे जो सस्ते सिलेंडर देने की बात की वो भी पूरी नहीं हुई। दूसरा इन्होंने आयुष्मान की बात की, तो आयुष्मान जो योजना है, जो चिकित्सा की योजना है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें भी तमाम तरीके के घोटाले हुए। किसानों की जो ये उसके बारे में कह रहे थे कि साहब उनको लाभ हुआ, उनकी आय बढ़ी, तो मैं किसानों की आय बढ़ने के लिए राजस्थान में जो किसान सम्मान निधि करीबन 80 लाख किसानों को मिल रही थी उसको घटाकर मतलब अब 60 लाख कर दिया, तो 20 लाख किसानों के नाम कैसे घट गए मेरी समझ से परे है। दूसरा जब केंद्र सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो आज 10 साल हो जाए 20 करोड़ रोजगार की कोई पता नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, एमएसपी मिला नहीं, काला धन देश में आया नहीं, और 15 लाख किसी के खाते में डले नहीं, और डॉलर महंगाई 100 दिन में कम हुई नहीं, अभी भी 40% गरीबों के पास पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री जी किस बात का दावा करते हैं? मैं बताता हूँ ना बीजेपी का क्या कहना, बीजेपी तो ये कहती है कि हमारे 100 दिन के काम को देख लीजिए और आपके 100 दिन के काम, 100 दिन के काम तो मैं बता रहा हूँ ना आपको प्रभात जी, देश प्रदेश के अंदर जिस तरीके का गुंडा राज बनप गया, जिस तरीके से आज ही अखबार में एक खबर थी कि एक जो गैंगरेप की पीड़ित है उसको एक जज कहते हैं कि आप कपड़े खोल के दिखाओ कहाँ कहाँ चोटें लगी है, तो ये तो कानून का राज है, किस तरीके से उनके साथ में हो रहा है। एक प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम मार दिया जाता है,
जिस तरीके से डेली आप अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, राजधानी के अंदर भी अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, लूट डकैती चोरी हत्या इस तरीके के मामले आ रहे हैं, शहर पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है, पूरी सड़कों के ऊपर मतलब जो आपका नाले खुदे पड़े, नालों की मिट्टी आई है, ये 100 दिन की ये कार्यों से आप किसी भी जगह जाके देखिए रोडे खुदी पड़ी है तो वहां पर उनको रिपेयर नहीं किया गया। 3 महीने के अंदर 3 रुपए का नया टेंडर नहीं लगाया इस सरकार ने, जो पुराने काम थे उनको भी रोक दिया। मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे, मुख्यमंत्री भ्रमण करने में व्यस्त है, जबकि उनको राजस्थान की राजधानी में बैठ के राजस्थान की सरकार चलानी चाहिए जो पूरी तरीके से विफल हुए। जैसे केंद्र में मोदी जी घूम रहे हैं वैसे ही यहाँ पे राजस्थान में ये घूम रहे हैं। तो आज इनसे पूछना चाहिए ना, आप अपने प्रधानमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी काम करने कर नहीं पाए और आप झूठ बोल के लगातार वो बातें कर रहे हैं। जो सच्चाई तो ये है, जो आपको जो आपने 2014 में या 2019 में वादे किए, 2014 में आप झूठ बोल के सरकार में आए, 2019 के अंदर आप पुलवामा के शहीदों की शहादत पर वोट मांग के आए, अब आप तमाम लोगों की बात कर रहे हो। क्या बोलेंगे आप, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, 300 किलो RDX कहाँ से आया। आप पाकिस्तान के आतंकवादियों से चंदा ले रहे हो, बीफ एक्सपोर्टर से आपने चंदा लिया, बीफ एक्सपोर्टर से आपने चंदा लिया, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से आपने चंदा लिया। आपको पता तो चलना चाहिए ना, आपने शहीदों का क्या किया है। आज सैनिकों को आपने अग्निवीर के अंदर युवाओं को बर्बाद कर दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आप अग्निवीर के नाम पे आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम युवाओं से बात करेंगे, अरे सैनिकों का आपने क्या भला किया। आज भी सेना हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं। आज वहां पर लेह लद्दाख के अंदर हमारे जो सोनम बांध चुके हैं वो वहां की लेह लद्दाख की तमाम बातों को लेके धरने पे बैठे हैं। कितने दिन हो चुके हैं अभी तक उनसे केंद्र की सरकार पूछने जा रही। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं से बदसलूकी हुई, देश के अंदर मणिपुर को 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया एक राज्य के अंदर, वहां पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो तमाम चीजें करते हैं ना, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन आप सच ही बात कीजिए किसानों के लिए। आप कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, युवा मेरे सहयोगी से, समय कम है सर जी, राजेंद्र जी समय कम है राजेंद्र जी, समय कम है, काउंटर ले लेता हूं मैं। राजेंद्र जी समय कम है, कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं सर, 1 मिनट में आपका काउंटर और फिर अनिल जी के पास आना चाहूंगा, समय कम है जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, राजेंद्र जी आपने अपनी बात रख ली, एक बार इनको सुन लेते हैं। राजेंद्र जी आपने अपनी बात रख ली जी, चलिए मैं आखिरी काउंटर जी चलिए, मैं आखिरी 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 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट अनिल को देना चाहूंगा, आखिरी 1 मिनट अनिल के लिए, आखिरी 1 मिनट जी। बारिक साहब चलिए, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, एक बार आखिरी 1 मिनट में मेरे सहयोगी अनिल के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, अरे साहब एक बार रुकिए, समय नहीं है, हमारा जाना जरूरी नहीं है, देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। आप लोग छुपा के बैठे हुए, आप हिम्मत है तो जाइए, संदेश में जाइए और मंत्री जाइए। अगर चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आर्य साहब जी, मैं समय चाहूंगा, समय माफी चाहूंगा आपसे, रुकिए राजेंद्र जी और पारिक साहब रुकिएगा, समय पूरा हो चुका है, माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये बात पारिक साहब समय पूरा हो गया, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, पारिक साहब समय पूरा हो गया, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए,
माफी चाहूंगा पारिक साहब, पारिक साहब समय पूरा हो चुका है जी, पारिक साहब समय पूरा हो चुका है, माफी चाहूंगा मैं, समय पूरा हो चुका है चूंकि अगली डिबेट का भी समय हो चुका है। लेकिन ये बात सही है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला होगा। अब कांग्रेस की कोशिशें कितनी कामयाब होती है हार की हैट्रिक को रोकने के लिए, और बिल्कुल आप देखो आप अपने स्तर पर जो बात कह रहे हो सकता है कि आपके आपके नजरिए से वो बात सही हो सकती है, लेकिन जी जी बिल्कुल आपने जो बातें कही आप दोनों ने जो बातें कही हैं आपके नजरिए से बिल्कुल जी बिल्कुल पारिक साहब बिल्कुल आप लोगों ने जो बातें कही हैं आपके नजरिए से बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन ये नजरिया जनता तक जी जी पारिक साहब समय पूरा हो गया, पारिक साहब सुनिए आपकी बात, पारिक साहब समय पूरा हो चुका है, आपका नजरिया बिल्कुल आपके मायने में आपका नजरिया हो सकता है आपके लिए सही हो, लेकिन आपका ये नजरिया जनता तक किस तरह से पहुंच पाता है और वो किसको कितना प्रभावित करता है, मंच से आप जितने भी हमारे दिग्गज राजस्थान आएंगे वो अपनी बातों को कितना प्रभावी तरीके से पहुंचा पाते हैं, कांग्रेस अपनी कोशिशों को कितना अंजाम दे पाती है, जीत की हैट्रिक जो बीजेपी के उसके बीच में हार की हैट्रिक को रोकना उसके लिए पहले चुनौती, एक दो सीट जीतना से ज्यादा बड़ी चुनौती उसके लिए है कि हार की हैट्रिक को कैसे रोके, लेकिन बीजेपी भी कम दबाव में नहीं, उसको भी लग रहा है कि जीत की हैट्रिक इस बार पूरी होनी चाहिए ताकि ये कहा जा सके कम से कम राजस्थान का जो नेतृत्व ये तो माने कि उनकी पकड़ जो है वो अभी कमजोर नहीं है, दोनों राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने अभी पहले दौरे में जो नेता आते हैं वो किस तरह से मंच से अपनी बातें कहते हैं, क्या बातें कहते हैं और उसका कितना असर जनता पर होता है वो भी 19 तारीख को कैद हो जाएगा और उसके बाद 26 तारीख को कैद हो जाएगा और 4 तारीख को ये भी परिणाम सामने आएगा। फिलहाल हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।